झारखंड में विधानसभा चुनाव की लहर है, तो वहीं इस माहौल में सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है और ऐसे ऐसे बयान आ रहे हैं जो कि जो है बताने लायक नहीं है। हम बता दें कि मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी का एक जो बयान आया है वो काफ़ी विवादित बयान है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस नेता राजेश गुप्ता जी है। राजेश जी, जिस तरह से इरफान अंसारी का जो बयान आया है सीता सोरेन पर, क्या कहेंगे? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की झूठ, इतनी बड़ी झूठ। अच्छा। और उन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता झूठ बोलने में, वो सिर्फ झूठ की राजनीति करते हैं। जिस प्रकार डॉक्टर इरफान अंसारी की छवि है उस जामताड़ा विधानसभा में और पूरे राज्य में काम करने के लिए, सारे धर्म समुदाय के लोग उनके साथ रहते हैं और उन्होंने जो कट करके वीडियो चलाया है उसमें ज़रूर बोले हैं इस चीज़ को कि भारतीय जनता पार्टी में सब साइड के रिजेक्टेड लोगों को जमा करके उम्मीदवार बनाया जाता है, वहाँ तो किसी का नाम उन्होंने लिया नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन में जाकर अपना प्रतिवेदन ज्ञापन दिया है वहाँ पे, और सारी सत्य बातों को, और एक पेन ड्राइव में भी दिया है उनका भाषण को, उन्होंने सुना इस चीज़ को। हम लोगों ने बताया कि बताइए अब कि किसी का नाम इसमें लिया गया है। सीता सोरेन जी सम्मानित नेता हैं, कभी कोई भी आदमी किसी के खिलाफ ऐसा व्यक्तिगत नहीं बोल सकता, और इरफान जी ने वही किया, बोला नहीं है कभी कुछ, और उसको काट छाट करके भारतीय जनता पार्टी इशू बनाना चाहती है। चूँकि आप देखेंगे कि उनकी लोकप्रियता इतनी अधिक है जामताड़ा में कि आसपास के विधानसभा में भी उसका प्रभाव पड़ता है, और जो भाजपा लगातार झूठ आधारित राजनीति पूरे देश में करती है, इनके टॉप टू लास्ट सारे लोग झूठ बोलते हैं, तो आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हो सकता है क्या? कभी आते हैं तो यहाँ बांग्लादेशी की बात करते हैं, कभी पाकिस्तान की बात करते हैं, कभी कहाँ की बातें करते हैं, तो इस प्रकार की बातें करके राज्य की जनता को अब झूठला नहीं सकते हैं। ये इंडिया गठबंधन हेमंत जी के नेतृत्व में इस राज्य में चुनाव लड़ रही है और पूरे दम से लड़ेगी, और पुनः इस राज्य की जनता हमारे गठबंधन को आशीर्वाद देगी और पुनः सरकार बनने जा रही है। तो भाजपा के पास अब कुछ रहा नहीं, इसी कारण अलर्गन बयाने बोलना और उसको दूसरी तरफ डाइवर्ट करना और डाइवर्ट करके झूठ आधारित राजनीति करना, इससे कुछ होना जाना नहीं है। हम लोगों ने भी इलेक्शन कमीशन को ये ज्ञापन दिया है और इस ज्ञापन में स्पष्ट लिखा हुआ और पेन ड्राइव भी दिया है, पेन ड्राइव में उनकी जो स्पीच है उस वो भी क्लियर है, वहाँ उन्होंने देखा, इलेक्शन कमीशन इस चीज़ को तुरंत हम लोगों के सामने लैपटॉप में लगाकर इस बात को सुने हैं, तो कहीं पर कोई बात नहीं है। और अगर भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के घृणित राजनीति से नहीं हटती है तो इस राज्य की जनता उनको 23 नवंबर को दिखा देगी कि क्या होता है इस राज्य में और इस राज्य की जनता क्या चाहती है। हमारी गठबंधन की सरकार ने महिलाओं के सम्मान में, आपने देखा होगा कि मैया योजना चलाया है, सर्वजन पेंशन योजना चलाया है, अबुआ आवास चलाया है, किसानों का ऋण माफ़ी किया है, नौजवानों के लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड चलाया है, तो इशू पे तो बात करती नहीं है। वो आए दिन इस प्रकार के झूठ प्रोपेगेंडा बनाने में उनकी। लेकिन राजेश जी, बड़ी बात यह है कि मंत्री जी का जो बयान है, इस तरह का बयान कई मरतबा देखा गया है कि ऐसे बयान दे देते हैं, वो विवादित बयान दे देते हैं। देखिए, बिल्कुल विवादित, ये सोचने की बात है और उसको समझने की बात है। जिस प्रकार भाजपा ने इस चीज़ को इतना गलत तरीके से पेश कर रही है, वो जामताड़ा की जनता और झारखंड की जनता इसको समझ गई है। तो आपके अनुसार जो है सीता सोरेन पे उन्होंने बयान नहीं दिया? नहीं दिया है, उन्होंने बताया है कि दूसरे दलों से जो रिजेक्टेड लोग आ रहे हैं। अच्छा। उनको भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार बनाती है या उनको नेता मानती है, तो ये कौन सा गलत बात है भाई? भाजपा वही काम कर रही है, आप देख रहे हैं उनके यहाँ अपने विद्रोह बना हुआ है, सारे लोग विद्रोह कर रहे हैं, इधर उधर चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरे जगह से लाकर दूसरे लोगों को चुनाव लड़ा दे रहे हैं। तो भाजपा के पास कोई इशू नहीं है इस राज्य के लिए, क्योंकि गठबंधन की सरकार ने लगातार इस राज्य के लिए काम किया, यहाँ की जनमानस के लिए काम किया, यार यहाँ के दुख दर्द को समझते हैं, यहाँ के जो आदिवासी मूलवासी जो जंगलों में रहते हैं, गाँवों में रहते हैं, यहाँ के माटी पुत्र हैं, उनके दर्द को हमारी गठबंधन की सरकार ने समझा है, लगातार जन सरोकार से लेकर उनके जितनी समस्याएं उसके लिए काम कर रही है। अच्छा, भाजपा के जो बड़े नेता है शिवराज सिंह चौहान, उनका बयान आया है, उन्होंने कहा है कि इरफान अंसारी जो है इस तरह के बयान दिए हैं तो वो इस्तीफा दे दे। उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में एक आदिवासी नौजवान के मुँह पे पेशाब कर रहे थे उनके भारतीय जनता पार्टी के नेता, तो उस समय आदिवासियों का क्या सम्मान कर रहे थे? वो बताना चाहिए वैसे गुमराह करने वाले नेताओं को। क्या डर है कि 6-6 मुख्यमंत्री
और 25-25 कैबिनेट मंत्री इंक्लूडिंग होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, इस राज्य के लिए अडानी के जो कमिटमेंट उन लोगों ने किया है उसके लिए कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ के लोग सब चीज़ समझते हैं और हमारी सरकार कमिटमेंट के साथ काम करती है, ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करती है, लोगों के हित की बात करती है, लोगों को गांव-गांव जाकर चौपाल लगाकर उनके समस्याओं को समाधान करती है। तो कभी जब भाजपा की सरकार यहाँ पर 18.5-18 वर्ष जब थी तब तो इनको कहीं ध्यान नहीं आया था। मुख्यमंत्री से कार्रवाई की मांग की है। देखिए कुछ भी बोलेंगे वो, कोई गुमराह होने वाला नहीं है, कोई ठगाने वाला अब इस राज्य में नहीं है। जब मैया योजना लाए हमारे मुख्यमंत्री गठबंधन की सरकार तो किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी को परेशानी हुई थी, वो कहाँ से एक जाली योजना चला दिए जिनका ना कोई रजिस्ट्रेशन है, ना किसी से बैंक अकाउंट लिया जा रहा है, ना उनका आधार लिया जा रहा है। तो कहाँ से आप गोगो गोगो का अर्थ है कि गो बैक बीजेपी, ये उनकी नीति रही है। तो यहाँ के लोगों ने पकड़ लिया उनकी झूठ को। तो जो काम करता है वही जानता है, और यहाँ का दर्द गठबंधन की सरकार से अधिक भाजपा वाले नहीं जानेंगे। जो दूसरों के इशारे पे देश पे काम करते हैं वो इस दर्द को नहीं जानेंगे। तो पार्टी जो है इरफान अंसारी के पक्ष में? बिल्कुल, पार्टी पूरे दम के साथ, मैं खुद गया था, मैं देखिए झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रतिनिधित्व किया और जाकर वहाँ पर हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन पर अपनी बातों को रखा है, उनको ज्ञापन दिया है, उनको पेन ड्राइव पर दिया है, आप सुन लीजिए उनकी स्पीच। क्या किसी व्यक्ति का नाम लिया है उन्होंने? कहीं पर नहीं है। तो भाजपा का जो बोलना है इससे अब तो यहाँ के लोग उनको बहुत ईजी लेते हैं। मतलब होता ना, गांव में एक मंगरू है, चौक में बैठा हुआ है गाँव के किसी चौराहे पर और दिन भर कुछ कुछ बोलता रहता है, उस प्रकार भारतीय जनता पार्टी। तो पार्टी जो है इरफान अंसारी के पक्ष में? बिल्कुल, पार्टी पूरे दम के साथ, मैं खुद गया था, मैं देखिए झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रतिनिधित्व किया और जाकर वहाँ पर हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन पर अपनी बातों को रखा है, उनको ज्ञापन दिया है, उनको पेन ड्राइव पर दिया है, आप सुन लीजिए उनकी स्पीच। क्या किसी व्यक्ति का नाम लिया है उन्होंने? कहीं पर नहीं है। तो भाजपा का जो बोलना है इससे अब तो यहाँ के लोग उनको बहुत ईजी लेते हैं। मतलब होता ना, गाँव में एक मंगरू है, चौक में बैठा हुआ है गाँव के किसी चौराहे पर और दिन भर कुछ कुछ बोलता रहता है, उस प्रकार भारतीय जनता पार्टी हो गई है। चलिए, तो ये थे कांग्रेस नेता राजेश गुप्ता जी। जिस तरह से इरफान अंसारी का जो बयान आया वो बयान पर जो है ये सफाई देते हुए नज़र आ रहे हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है इरफान अंसारी के जो बयान है उस पर वो सफाई देकर वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि बचाव की स्थिति में आ गई है। यानी कि इरफान अंसारी के जो बयान जिस तरह सामने आ रहे हैं तो कांग्रेस का ये कहना है कि जो बयान आया है वो व्यक्ति विशेष नहीं है, यानी किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिए हैं, ये भाजपा की सोची समझी चाल है। तो इस तरह के तमाम खबरों से बने रहिए और देखते रहिए जीएन भारत। रांची से मोहन कुमार। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।